ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਡ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਐਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਐਸ ਹੈ .gndu.ac.in क्लिक करांगा वेब पेज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो बीएड एडमिशन रिगार्डिंग है पेज खुल जाएगा। इत्थे ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जे तुसी पहला रजिस्टर होए होए हो तो उसे फोन नंबर या ईमेल से दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकते। सो मैं ऑलरेडी वैसे पहला रजिस्टर हो चुका हाँ पर तुहानू समझाउण लई दस रहा हाँ ये पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहला पेज खुल गया पहला स्टैप है। इससे कुछ भी मुश्किल नहीं है, दो गल्लां दा ख्याल तुहानू पहला रखना पेगा। एक मोबाइल जिस नूं तुसी रजिस्टर करना है वह एस एम एस वाला फाइल खोल के अपने कोल रखनी है और दूसरी जो ईमेल जिस ते तुसी रजिस्टर होना है परसनल ईमेल होना चाहिए है वह ओपन करके पहला रखो क्योंकि एक मिनट मिलना है सिर्फ 60 सैकेंड मिलने हैं OTP कन्फर्म करने लई इत्थे फिल करने लई। सो ये आसान है, कैंडिडेट नेम 10th वाला, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर मेल फीमेल जस्ट क्लिक करना है, उस तो बाद डेट ऑफ बर्थ 10th वाली फिल कर देनी है, डेट मंथ ईयर है ना इत्थे ओपन हो रहे ने तुसी जस्ट सिलेक्ट करना है। इस तो बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तुसी एंटर होंदे हो इत्थे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करदा हाँ पूरा नहीं करके दिखावांगा मोबाइल नंबर। उस तो बाद सेंड OTP ते मैं क्लिक कीता हरे बटन ते और मैनू OTP आ गया, OTP मैं वेरीफाई कर लिया कन्फर्म कर लिया, इत्थे सेम OTP फिल कर दिता। OTP का मतलब पता ही है वन टाइम पासवर्ड। उस तो बाद सेम प्रोसीजर रिपीट होएगा ईमेल आईडी ली, ईमेल आईडी इत्थे फिल की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ईमेल आईडी फिल की, उस तो बाद केयरफुली फिल करनी है, सेंड OTP ते कर दिता tiresinghat@hotmail.com। ये इत्थे वैलिड इसलिए दस रहे ने एंटर वैलिड ई है क्योंकि ये पहला तो रजिस्टर हो चुका हाँ। सो सेंड OTP ते तुसी क्लिक किया तुहाडे को ईमेल खोली है जो है OTP आया वो 4 डिजिट तुसी इत्थे फिल कर देंदे हो। फिल करन तो बाद अगे पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सब तो जरूरी क्योंकि ये सबमिट करन तो बाद लॉगिन जो तुसी दोबारा करना है पहला स्टेप है, दूसरा लॉगिन करना होएगा उदे विच तुहानू ईमेल ते पासवर्ड की जरूरत दोबारा पेगी। सो पासवर्ड कि पासवर्ड के होना चाहिए है कंडीशन से मिनिमम 8 करैक्टर होने चाहिए हैं, नंबर 2 ते अपर केस 1 होना चाहिए है, अपर केस मीन कैपिटल लैटर, 1 लोअर केस जिहड़ा है समॉल लैटर जिसनों कह देंगे हैं स्पैशल करैक्टर, फॉर एग्जाम्पल @#, मिनिमम 1 नंबर होना चाहिए है। एक इस तरह रखा है फॉर एग्जाम्पल मैं इतने करके दसदा हाँ, मैं अपना पासवर्ड मान लो रखा 1 2 3 नंबर आ गए, मिनिमम 1 नंबर से मैं 3 लिख लिया है। उस तो बाद मैं एक कैपिटल लैटर पाया, इसनों रेड करके दस रहा हाँ, कैपिटल लैटर पा दिता, फिर कोई भी शब्द अपना रख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना सब तो प्यारा शब्द रख लिया टिंडा है ना, और उस तो बाद मैं स्पैशल करैक्टर #, इतने रख लिया @ रख लिया। हूँ मेरे करैक्टर किन्ने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, मिनिमम 8 चाहिए सी, कंडीशन पूरी हो रही हैं, मिनिमम 1 नंबर आ गया जी, कैपिटल लैटर 1 बिल्कुल आ गया, ये कैपिटल लैटर है ए वाला, और लोअर केस मिनिमम 1 चाहिए सी, 1 2 3 ये लोअर केस ने, और स्पैशल करैक्टर #, स्पैशल करैक्टर आ गया। सो इस तरह तुसी इसनों अपनी डायरी ते नोट कर लेना है, लिख लेना है, लिखे बिना गुजारा नहीं है, जां याद रखना है तो क्योंकि लॉगिन जो दोबारा करना है तुहानू फिर ये ओपन करना पड़ेगा। सो पासवर्ड फिल कर लिया, पासवर्ड क्योंकि तुसी गलती ना करो कन्फर्म सेम पासवर्ड इत्थे फिल किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3 #, इत्थे मैं फिर फिल किया, उस तो बाद सबमिट किया जाएगा, फिर तुहानू मैसेज आ जाएगा कि सक्सैसफुली रजिस्ट्रेशन तुहाडी हो चुकी है। सो पहला स्टेप इत्थे कंप्लीट हुंदा है।